अक्सर हम आज के फिक्र में अपने कल को भूल जाते हैं, प्रेजेंट का गणित ठीक करने के चक्कर में अपने हिस्ट्री को याद नहीं करते। इसीलिए हम और आप आज कोशिश करेंगे अपने बीते हुए कल को याद करने की, कुछ खास मेहमानों के साथ। मैं जर्नैल सिंह, हिस्ट्री के क्लास का सबसे पुराना मेजर जनरल, अपने साथ लेकर आया हूं हिस्टोरिकल क्लैश, जहां दो टीमें नहीं, दो फौजें आमने सामने होंगी। एक तरफ है फिफ्थ ए के हिस्ट्री गीक्स, यानी बच्चों की फौज, और इन नन्हे मासूम बच्चों से लड़ने आए हैं सन्नी कौशल और शर्वरी, यानी बड़ों की फौज। क्या जनरल सर, हम लोग फ्रंट बेंचर्स से 50-50 रहते हैं हिस्ट्री में, क्या बैक बेंचर्स के साथ बिठा दिया यार, इज्जत ही नहीं करते हमारी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है एक बार शुरू करते फिर देखते। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ओके। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही जवाब, बेहतरीन। That's a brilliant start. Thank you. अगला सवाल, which country provided the largest volunteer army to World War II? बच्चों की फौज, इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। बच्चे काफी बड़ों जैसे बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक सर अगला क्वेश्चन पूछिए आप, दिखाते हैं। बच्चों की फौज लीडिंग 2-0, कम ऑन बड़ों की फौज, बक्का बक्का, पुल अप योर सॉक्स। ओके ओके या ओके, लेट्स सी। अगला सवाल, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? बड़ों की फौज, विंस्टन चर्चिल। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों की फौज दो, बड़ों की फौज एक। तो बड़ों की फौज जी, आपका खाता खुल चुका है जी, बट हाउ डू यू गाइस नो दिस? आई मीन सोलो ट्रैवल से काफी कुछ सीखने मिलता है, बट बच्चे आई डोंट थिंक ट्रैवल कर सकते हैं ना विदाउट देयर पेरेंट्स। नहीं। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस? यस वी कैन। अगला सवाल, जेके रोलिंग, सचिन तेंदुलकर, एडॉल्फ हिटलर, मलाला यूसुफजई, Who amongst these has been a Times Person of the Year? बच्चों की फौज। सचिन। अफसोस, गलत जवाब। What? I have a hint for you. He was from Germany. Hitler. बिल्कुल सही जवाब। Yeah. बच्चों की फौज 2 और बड़ों की फौज 2। वो खेल में मजा आ रहा है। Somebody order me a popcorn. अगला सवाल। The Imitation Game was a movie about an English code breaker who created a machine that helped to decrypt Nazi messages. Who was it? बड़ों की फौज। Alan Turing. बिल्कुल सही जवाब। Of course, बिल्कुल सही जवाब। We can't even watch half of the films because they are meant for edit. कोई बात नहीं, बड़े होके देख लेना, क्या जल्दी है। सिक्योरिटी। दैट्स अ बर्न, दैट्स अ बर्न। बड़ों की फौज 3, बच्चों की फौज 2, अब गेम में मजा आएगा। अगला सवाल, लिटिल बॉय एंड फैट मैन प्लेड अ ग्रेट रोल इन वर्ल्ड वॉर 2, व्हाट वर दे? सर कितना इजी क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द एटम बॉम्ब्स। नागासाकी। बजर नहीं बजाया था सर, नेम्स ऑफ द एटम बॉम्ब्स। कितना इजी क्वेश्चन है सर। नागासाकी एंड हिरोशिमा। बट बजर नहीं बजाया था ना, क्या करें? जवाब तो दे दिया आपने, पॉइंट लॉस्ट टू अस। अफसोस बच्चों, रूल्स आर रूल्स, बजर तो दबाना पड़ेगा। बजर नहीं दबा सकते। अच्छा ठीक है, आपस में लड़ते नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जो बड़े होके आता है। हम लोग को भी बहुत है। अच्छा। खाली बजर नहीं दबाए इस लड़की ने। एक्सक्यूज मी। लड़ लो आपस में, लड़ लो, यही हम चाहते हैं। लड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
who replaced East India Company after the uprising of 1857? बड़ों की फौज. ट्रिक क्वेश्चन. ब्रिटिश राज. बिल्कुल सही जवाब. पचास में से पचास आते हैं ना, अब कितने रह गए? 35. पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना अगला? हाँ. ओ बड़े लड़के, पैट गंदा मत करो. अरे सर, नहीं नहीं, पैट नहीं गंदा करते हैं, लॉन्ड्री का खर्चा कौन देगा? बीवी नौकरी नहीं कर रही आजकल. चलो. व्हाट डिड क्वीन एलिजाबेथ टू सर्व एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? बड़ों की फौज. आई नो इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन अगेन. ऑफ कोर्स क्वीन. बिल्कुल गलत जवाब. ड्राइवर मैकेनिक. बिल्कुल गलत जवाब नहीं है ये, सही जवाब है ये. घटिया बिल्डअप क्यों देते हो? अरे मैं रियलिटी शो बहुत देखता हूँ. अरे बेटा इधर आ जाओ. दोस्तों गेम बिल्कुल नेक टू नेक आ चुका है. इस सवाल का सही जवाब देने वाला ये प्रतियोगिता जीत जाएगा. एंड आई कांट बिलीव कि बच्चे और ये लोग बराबर पॉइंट्स पे हैं. एक सेकंड. नेक्स्ट सवाल से पहले अगर हम ये जीते तो मुझे तेरे बाल चाहिए. और अगर मैं ये जीता, मुझे आपकी प्यारी सी दाढ़ी चाहिए. डन. और अगर मैं जीती, मुझे चाहिए आपके आईलैशेस. आईलैशेस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गए? थोड़ा एक्स्ट्रा. सही है, अब उसके ले लो अगर आप जीतोगे. आखिरी सवाल. आजाद हिंद फौज वॉज फर्स्ट फाउंड बाई हुम? वॉज इट वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, मोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस. बिल्कुल गलत जवाब. मोहन सिंह. बिल्कुल सही जवाब. एंड यू विन. यस. ये बाल दे. अरे वो, अरे सुनो, अरे पेमेंट लेके जाओ ना बाबू. मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इनको ही सवाल का जवाब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को कैसे पता? हाँ, हम लोग को पढ़ाया भी नहीं है. ये एक्चुअली मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये चैप्टर है ही नहीं. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली ये जो चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉटन है. So, Mohan Singh jo the, he was a captain in the Punjab regiment of the British Indian Army who was fighting in Malaya. So, he became a prisoner of war after his unit 114 Punjab regiment was captured by the Japanese. But unfortunately, ye kisi ko pata hi nahi. Actually, hamara show The Forgotten Army isi ke bare mein hai. To kids, you all, or sir, aap bhi kindly binge watch it on Amazon Prime Video right now. And know more about the heroics of the Azad Hind Forge. Yeah! You better do that! You should do that. Luck next time. All the best. Thank you so much. To de do, yeah. See you next time. Main tere baal le jaunga next time. Nahin! Main aapke eyelashes leke jaungi. Beta, beta. Come on. Stop! Hello guys! So if you want to know more about one of the greatest chapters of our Indian history, then please watch our show The Forgotten Army only on Amazon Prime Video. Hey baat. And don't forget to like, share and subscribe Amazon Prime Video's YouTube channel for more updates.